हमारे नए प्रोग्राम हेल्दी टॉक में आज हम बात करने वाले हैं भोपाल के सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी हजेला मैम से। रजनी हजेला मैम 3 दशकों से फीमेल हेल्थ केयर को लेकर काम कर रही हैं। रजनी मैम, प्लीज़ आज आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ अपने इस अनुभव को साझा करें। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो किन किन समस्याओं को लेकर आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करती हैं। देखिए, मेरा एक जनरल ओपीडी है। मेरे पास सब एज ग्रुप की लेडीज़ आती हैं, बच्चों से लेकर के वृद्धावस्था तक की। ऐसी भी आती हैं जिनको कि अटेंडेंट्स पकड़ के लाते हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ फीमेल्स के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स, वो मैं डील करती हूँ। वर्तमान में वुमन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो आप क्या सोचती हैं कि वुमन एम्पावरमेंट जो है, लड़कियां जो है हर सेक्टर में बहुत आगे काम कर रही हैं, उनको बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो कि हो सकती हैं, उसको लेकर आप उनको क्या हिदायत देना चाहेंगी? देखिए, एक तो आजकल एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है। दो स्टेटस में हम लोग लड़कियों को डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पढ़ लिख गई हैं, अच्छी सर्विस कर रही हैं, जिनका अपना एक आइडेंटिटी है, अपना कैरियर है और अपनी फैमिली को वो खुद मेंटेन कर रही हैं, वो लड़कियां अपनी ज़िंदगी से खुश भी हैं और अपनी ज़िंदगी में सारे अचीवमेंट्स कर पा रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लड़कियां हैं जो हम लोगों के पास आती हैं गाँव की, जो बेचारी ना तो उनको एजुकेशन प्रॉपर मिली है, ना उनकी हेल्थ का उतना ध्यान रखा गया है, तो वो एक तरह से आप समझिए कि उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना हो ही नहीं पाया जितना कि सोशल सर्कमस्टांसेस के कारण से जितना होना चाहिए था। तो वो बेचारे अपनी जो उनकी जो सोशल स्फेयर है उसके आगे बढ़ के कुछ सोच ही नहीं पाती हैं, तो उस तरह से उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को ग्रासरूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़मीनी तौर पर, तब हम मानेंगे कि हाँ, लड़कियाँ इम्प्रूव कर गई हैं। जिस दिन गांव की लड़कियां भी शिक्षित होंगी, जिस दिन वो भी अपने अधिकारों को लेके सचेत होंगी, उस दिन हम मानेंगे कि लड़कियों की स्टेटस इम्प्रूव हुई है। एक 10% 5% लड़कियों के राइज कर जाने से या उनकी स्टेटस बन जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि लड़कियों की स्थिति बहुत इम्प्रूव हुई। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो इनफर्टिलिटी है उसको लेकर बहुत सारे ऐसे जो बीमारियाँ हैं हमारे सामने आ रही हैं, तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो उसके रीजंस क्या है? देखिए, इनफर्टिलिटी जो राइज कर रही है वो भी मॉडर्न लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ गर्ल्स कह लीजिए या सर्टेन ग्रुप ऑफ सोसाइटी है विच इज़ वेरी मच कॉन्शियस एंड वेरी मच पूरी तरह से वो उनके दिमाग में केवल कैरियर और लाइफस्टाइल और अपने स्टैंडर्ड्स, मतलब टोटल मॉरल वैल्यूज़ उनकी चेंज होती जा रही हैं, उनके ज़िंदगी की कहानी ही बदल गई है। तो ये लोग जो होते हैं, दे फॉर देम देयर फैमिली इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज देयर कैरियर। दे वॉन्ट टू पुश देयर लाइफ का ये जो इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं, मैरिज है, चाइल्ड रियरिंग है, इन सबको वो लोग पुश करते जाते हैं कि टिल आई एम सेटल्ड। दैट इज़ द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी दीज डेज। लाइक हम लोगों के टाइम पे, हम लोग मतलब जब हम लोग भी छोटे थे उस समय 18 साल में मैरिज होती थी, विच वॉज़ क्वाइट प्रीमेच्योर, होनी नहीं चाहिए। अब आजकल जो है 30-32 साल के लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बल्कि उससे भी बड़ी। 3200 मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं भोपाल में हूँ, बॉम्बे वगैरह में तो मेरे ख्याल से 35-40 ईयर्स की लड़कियाँ शादी कर रही हैं। तो हर एक भगवान ने अपने को एक साइकिल दिया हुआ है कि इस टाइम पे तुम्हें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो मेरे को जो लगता है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो इनफर्टिलिटी जो होती है उसको रोकने के लिए क्या, मतलब कोई ऐसा है प्रोसीजर जिसको, जो डिसीज़ को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है आपका। इनफर्टिलिटी जो है एज रिलेटेड होती है जी। जैसे लड़कियों की एज ज़्यादा होगी तो इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाएगी।
इनफर्टिलिटी आपके पॉल्यूटेंट्स से भी रिलेटेड है, सोशल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जैसे जो स्मोक करते हैं, जो ड्रिंक्स लेते हैं ज़्यादा, उनके स्पर्म्स में भी इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो इनफर्टिलिटी की रेट को बढ़ा सकती हैं, लेकिन एज सच कोई बीमारी नहीं है कि हम कह दें कि ये बीमारी हम ठीक कर लेंगे तो इनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। जो जनरल इनफर्टिलिटी है वो बेसिकली लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आप इसको लेकर भी अपने विचार विमर्श कीजिए प्लीज़। देखिए, प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ज़िंदगी का, तो लड़कियों को उस समय तक आते आते सेक्स एजुकेशन, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए और लड़कियों को इसको पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से इंजॉय करना चाहिए। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं बहुत डरी रहती हैं प्रेगनेंसी में, वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर। प्रेगनेंसी को एज अ नॉर्मल इवेंट लेते हुए और एक्टिव रहते हुए और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए करना चाहिए। इट इज़ अ वेलकम थिंग इन लाइफ, है ना। तो आप एक्टिव रहिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आप बढ़िया हेल्दी डाइट लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों प्रेगनेंसी से पहले भी आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। जी मैम, अक्सर आजकल हम लोग सुनते हैं कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी महिलाओं को लीकेज होने लगता है, चाहे वो पानी का हो या फिर ब्लडिंग लीकेज हो, तो उसके क्या कॉजेज़ हैं, किस कारण से वो होता है? नहीं देखिए, लीकेज या ब्लीडिंग ये सब एक कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी के, और ये पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे। एक सर्टेन परसेंटेज होता है हर चीज़ का, कॉम्प्लिकेशंस का, जो कि नॉर्मल होते हैं। जैसे मोटे तौर पे मान के चलिए, अगर 100 लोग प्रेग्नेंट हुए हैं तो उसमें से 10-15% केसेस जो हैं उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में, अबॉर्ट हो सकते हैं, 1-2% बच्चों में कॉन्जेनिटल एनोमली हो सकती है। तो ये सब चीज़ें एक किसी भी लाइफ इवेंट के साथ एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। लड़कियों को जब पीरियड्स होता है उसमें जो क्रम्प्स आते हैं उसको लेकर बहुत ऐसा, जैसे बहुत सारी टेबलेट्स होती हैं जो कि लड़कियां ले लेती हैं, तो उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि उनको पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खे होते हैं, या फिर आप क्या उनको प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो बताना चाहेंगे कि ये सब करने से आपको उससे राहत मिल सकती है? देखिए, महीने के पहले दूसरे दिन कई बार शुरू में लड़कियों को बिल्कुल, जब मेंसेस शुरू होते हैं तो दर्द नहीं होते हैं, थोड़े दिन बाद शुरू होते हैं, जब पीरियड्स ओविलेटरी होने लगते हैं तो दर्द शुरू होता है। ये दर्द यूजुअली पीरियड्स के पहले दूसरे दिन रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब इसमें भी स्पेक्ट्रम है, किसी को केवल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, किसी को बहुत सीवियर पेन होता है तो उनको इवन हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन्स तक की लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे एज के साथ कम हो सकते हैं। और वही है कि आप अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप पहले से हाइड्रेशन अपना बहुत अच्छा रखिए, प्रॉपर स्लीप लें, डाइट में आप डाइट अच्छी रखिए, इन सब चीज़ों के साथ भी आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं ये कम हो सकते हैं, लोकल हॉट फोमेंटेशन से कम हो सकते हैं। और अगर आप थोड़े दिन के लिए, जैसे जिन दिनों ये ज़्यादा हो रहा हो उन दिनों नमक थोड़ा सा कम कर लें अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा लें, विटामिन ई जिन में ज़्यादा होता है वो चीज़ें लें, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है। फिर भी जहाँ तक मेरा मानना है, अगर किसी को बहुत सीवियर पेन है जो उसके डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है, तो एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट्स आती हैं, ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, जिसमें एक मेफ्टाल इस्पास, या मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहती, मेफेनेमिक एसिड करके टैबलेट आती है, उसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। शुरुआत प्रेगनेंसी में आती है तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो भ्रूण से बच्चे के बनने तक की स्थिति होती है। इस समय कोई भी अनटॉवर्ड इंसिडेंस हो या कुछ डिजीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मदर के शरीर में हों, तो बच्चे के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही मदर की हेल्थ और मदर की डाइट का असर भी बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को
अपन मॉनिटर कर सकें, अच्छे से देख सकें, ताकि हेल्दी बेबी हो, हमारे आने वाले नेशन के लिए हेल्दी पॉपुलेशन इकट्ठी हो सके, तो उसके लिए रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ मिनिमम इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं जो प्रेगनेंसी में होने चाहिए, और अब सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी हद तक सारी जांचें होने लग गई हैं, तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जगह मिल रही हैं सब जगह, तो रेगुलर चेकअप सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टर को दिखाते रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि बार बार कुछ ना कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो जाती हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए इसके लिए कुछ हायर सेंटर्स भी होते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मदर की एज से भी रिलेटेड होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको केयर लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि दो मेन चीज़ें मैं एक बस जस्ट सजेस्ट करना चाहूँगी। एक तो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है, और सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन्स भी उपलब्ध हैं जो कि यंग गर्ल्स में दी जाती हैं, और जहाँ तक उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और दूसरा ये कि मिडिल एजेड लेडीज़ में ब्रेस्ट के एग्ज़ामिनेशन, जिसे कि मैमोग्राफी कहते हैं, ये भी ज़रूर से होना चाहिए, ताकि एक तरह से ये प्रिवेंटिव है, या कि ये एनुअल चेकअप टाइप का पहले रहता था, कई जगहों पे होता है आउट ऑफ इंडिया। तो इन दो तीन चीज़ें हैं, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए पैपस्मियर करके एक जांच होती है, ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में और अपने को जागरूकता बढ़ानी है लोगों की, ताकि परेशानियां या दिक्कतें आने से पहले ही अपन उनको सॉल्व कर सकें। मैम, हम लोग मेल बेबी और फीमेल बेबी को लेकर जो आजकल आजकल क्या वो बहुत टाइम से मुद्दा चला आ रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को अगर देना चाहती हैं तो प्लीज़। देखिए, ये मेल बेबी और फीमेल बेबी का जो डिवाइड है, ये अपनी सोसाइटी में बहुत पुराना है, और कितना भी सरकार ने इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी अभी तक ये डिवाइड बना हुआ है। जब तक माँ सकट का और हलछट का व्रत रखती रहेंगी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कुछ नहीं रखेंगी, तब तक ये डिवाइड बना रहेगा। इसलिए कहने को बहुत कुछ है, किया बहुत जा रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है इसका बेसिक ये है कि आपका एजुकेशन अच्छा हो। हम अपनी जनरल पब्लिक को अच्छे से एजुकेट करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तब जाके ये डिवाइड मिटेगा। ऐसे नहीं मिटेगा कि लड़कियों को अपने को बचाना है और लड़कों को छोड़ देना है, सेव गर्ल चाइल्ड। ये इसमें हमें मेल चाइल्ड को भी सेव करना है, मेरा ये कहने का मतलब है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक बेसिक कब ठीक होगा ये, जब अपनी पूरी जनता, हिंदुस्तान की जनता अच्छे से लिटरेट हो जाएगी, जब एजुकेशन हर एक के पास होगी, जब आगे बढ़ने की संभावनाएं हर एक के पास होंगी, तब इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं रहे। कंपनीज आई हैं या इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स बढ़े हैं, तो उसमें लड़कियां कमाने लगी हैं, तो उससे मदर फादर को भी एक मिला है, कहना चाहिए हेल्प, और उनको लगा है कि हाँ, लड़कियां हो सकती हैं। लेकिन ये कौन सी लड़कियां हैं? जो पढ़ी हैं, है ना। तो ये सिनेरियो मेरे को लगता है केवल ये शहर में है, जहाँ की लड़कियाँ पढ़ गई हैं। गाँवों में जहाँ की लड़कियाँ पढ़ गई हैं और वापस जाके काम कर रही हैं, जैसे कहीं कहीं आपने देखा है सरपंच हैं लड़कियाँ और जो काम कर रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपनी ज़मीनी सिचुएशन को चेंज करेंगी। डॉक्टर्स जो हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा लाइफ की इम्पोर्टेंस जानते हैं, दे नो वॉट इज़ लाइफ। तो लाइफ को सेव करने के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी भी लगा सकते हैं। आप महसूस नहीं करेंगे, हम लोग बिना खाए हुए कितने घंटों काम करते रहते हैं। कोई पेशेंट ठीक हो जाए तो उसकी स्माइल आती है, तो हम लोग को इतना अच्छा लगता है, मतलब इट्स अ इमोशनल मोमेंट फॉर अस।
हम आपको बता नहीं सकते हैं, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. और ऐसे में जब कभी डॉक्टर भी इंसानी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर गलतियाँ सभी से हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन और ये भी हो सकता है कि हम जिसको ट्रीट कर रहे हैं वो भी तो एक बॉडी ही है, उसका रिस्पॉन्स अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसा एक्सपेक्टेड है उससे अलग आ सकता है. इस वजह से कुछ ना कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंसेस जो हैं ये मेडिकल फील्ड में होती रही हैं, पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी, कितना भी साइंस प्रोग्रेस कर जाए. तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि जिसने आपके साथ इतना किया है, जिसने आपके लिए इतना काम किया, अपना मतलब खून पसीना टाइम सब लगाया है, तो उसकी उसको बेइज्जती ना करें. सबसे ख़राब मोमेंट वो होता है जब डॉक्टर से आके कोई पेशेंट उसकी बेइज्जती करता है, उसकी इंसल्ट करता है. जो इसके पीछे भी एक कारण जो मुझे लगता है कि आजकल लोगों के अंदर इनटॉलरेंस बहुत हो गया है, मतलब लोग कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. आप सिंपल चौराहे पे देख लो, जरा सी देर के लिए अगर लाइट लाल बत्ती ख़त्म हुई और आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो पीछे वाले इतना हॉर्न बजाएंगे, आपके बगल से निकलेंगे, ऐसे देखेंगे तिरस्कार से कि जैसे आपको तो गाड़ी चलानी आती नहीं. तो ये जो इनटॉलरेंस की भावना डेवलप हो रही है लोगों के अंदर, ये ही है जो मेरे ख्याल से डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस को इग्नाइट करती है. और डॉक्टर्स जो हैं बीइंग अ पब्लिक, मतलब हम लोग समझिए हम लोग इस तरह से हर सोसाइटी के हर लेवल के लोगों को एक्सपोज्ड हैं. छोटे मतलब जो जो कहना चाहिए लो मिडिल क्लास वाले लोग आते हैं उनको, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, और जो बहुत हाई क्लास हैं उनसे भी हम लोग एक्सपोज्ड रहते हैं. तो लोगों को, मुझे जो लगता है कि लोगों को डॉक्टर्स से कोई की कंडीशन को भी समझना चाहिए. हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए धन्यवाद मैम.